लूट के विरोध में लखनऊ के कोतवाली चौक इलाके में हुई व्यापारी के नौकर की हत्या के विरोध में यहियागंज बाजार को बंद कर व्यापारियों ने अपना विरोध दर्ज कराया। पुलिस प्रशासन को नाराज व्यापारियों ने अल्टीमेटम दिया है कि अगर पुलिस ने 3 से 4 दिन के अंदर घटना का खुलासा नहीं किया तो व्यापारियों का प्रदर्शन पूरे लखनऊ में होगा। इससे पहले घटना वाले दिन सरकार के मंत्री बृजेश पाठक व्यापारी से मिले थे और 24 घंटे के अंदर घटना का खुलासा करने की बात कही थी। व्यापारी के नौकर की ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या करने की सनसनीखेज वारदात लखनऊ के कोतवाली चौक इलाके की है। यहां हथियारों से लैस बदमाशों ने दिन दहाड़े नेहरू क्रॉस इलाके में पान मसाला फर्म के संचालक समीर अग्रवाल की दुकान में धावा बोला था। यहां मौजूद लोगों को गन प्वाइंट पर लेकर बदमाश रुपए से भरे 2 थैले लेकर भागने लगे। तभी 50 वर्षीय मुलाजिम सुभाष गुप्ता ने उनका पीछा करने की कोशिश की। इसी से नाराज बदमाशों ने सुभाष की गोली मारकर हत्या कर दी और बाद में हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए। सनसनीखेज वारदात के बाद व्यापारियों की नाराजगी को देखते हुए मंत्री बृजेश पाठक मौके पर पहुंचे थे और मृतक की बेटियों की पढ़ाई की जिम्मेदारी उठाने के साथ ही बदमाशों को 24 घंटे में पकड़े जाने की बात कही थी। घटना में सरकार की ओर से मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए आर्थिक सहयोग देने की घोषणा भी की गई थी। हालांकि व्यापारी नेता सरकार की इस इमदाद से नाखुश है। साथ ही व्यापारियों ने अपनी तरफ से मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए आर्थिक सहायता राशि दी है। व्यापारी नेता अमरनाथ मिश्रा का कहना है कि अदालतों की धीमी कार्रवाई से अपराधी जल्द ही जेल से छूट आते हैं और दोबारा घटना को अंजाम देते हैं। व्यापारी नेता ने व्यापारियों के साथ हुई पिछली आपराधिक कई घटनाओं का भी जिक्र किया। तो हत्या करके रुपया लूट ले गए, ये एक बहुत ही दुस्साहसिक घटना है और व्यापार मंडल के लिए चैलेंज है। तमाम घटनाएं शहर में हो चुकी हैं पिछले कई वर्षों में। आलमबाग का सराफा व्यापारी के यहाँ 3 लोगों की हत्या करके पिछले जनवरी फरवरी में तमाम पैसे लूट गए थे। अभी हमारी बाजार के शास्त्री नगर में मदन गोपाल जी की नौकर के गोली मार करके लूट हुई थी, उसका खुलासा इसी टीम ने किया पुलिस ने। हम ये नहीं कहते किसी समाज को घटना रहित बनाया जा सकता है। अमिताभ चौबे, जनमत न्यूज़, लखनऊ।